बात करने वाले जो समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो सामूहिक विवाह योजना है वो देखिए चलाई जाती है। अगर आप गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं तो देखिए आप इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको 51,000 रुपये दिए जाते हैं। देखिए इसमें कैसे दिए जाते हैं, 35,000 रुपये हैं वो देखिए कन्या के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं और 10,000 रुपये का देखिए आपको सामान दिया जाता है और 6,000 रुपये जैसे बिजली का खर्चा है, खाना का खर्चा है, पंडाल का खर्चा है इसमें जोड़ा जाता है और कुल मिला के आपको 51,000 रुपये आपके ऊपर खर्च किए जाते हैं। तो देखिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए आवेदन कैसे करेंगे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट है, आपको यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं तो देखिए यहाँ पे एक बटन आपको मिल जाएगी आवेदन करें, आपको ये देखिए यहाँ पे आपको बिलिंग करती हुई नजर आएगी, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक तो ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें और दूसरा है अगर कोई संशोधन करना है तो आप नीचे वाली बटन पर टिक कर सकते हैं। तो देखिए हम फर्स्ट टाइम फिल कर रहे हैं, आवेदन करना है तो हम यहाँ पर आवेदन करें, यहाँ क्लिक करें, आपको इसी बटन पर टिक कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन मिला वधु पक्ष का विवरण दें, देखिए यहाँ पे आपको वधु पक्ष का विवरण देना होगा यानी आधार नंबर यहाँ फिल करना, आधार पर जैसा नाम फिल है वैसे ही सेम यहाँ डाल देना, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको यहाँ पे सेम पुष्टि कर देनी है और यहाँ पे आधार से लिंक मोबाइल नंबर है आपको वो फिल कर देना है। वैसे ही सेम यहाँ पे वर पक्ष की तरफ से यानी लड़के का आधार नंबर यहाँ फिल कर देना, नाम क्या वो डाल देना और डेट ऑफ बर्थ आधार पर क्या लगी वो डाल देना और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। इस टर्म को एक्सेप्ट करके आपको वेरीफाई वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसी पर टिक कर देना है। तो देखिए आपके इस मोबाइल नंबर पर OTP भेज दिया गया, वो OTP यहाँ फिल कर देना है और वेरीफाई OTP कर देना है। यहाँ पर देखिए टाइमिंग चल रहा है, इतने टाइम के अंदर आपको फिल करके वेरीफाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका आवेदन फॉर्म है देखिए खुल के आ चुका है। यहाँ पे अगर आपका राशन कार्ड पर नाम चढ़ा होगा या फिर फैमिली आईडी क्रिएट होगी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक से डिडक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर शहरी एरिया से हैं या फिर ग्रामीण एरिया से हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर अपना विकास खंड सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे अगर आपके पास BPL कार्ड है तो दे सकती, नहीं तो इसे छोड़ देना है। उनका देखिए यहाँ पे नाम देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है आवेदिका के पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पे आवेदक की जो फादर्स नेम है वो फिल कर देना है, आवेदक की यहाँ पे माता का नाम फिल कर देना है, आवेदक की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किस वर्ग से आता है देखिए SC ST OBC जिससे भी आता है वो अपना सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे लिखा है आवेदिका के परिवार की वार्षिक आयु, देखिए वार्षिक आयु 40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्रामीण एरिया से आते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकम डाल देना है जो भी आपके इनकम सर्टिफिकेट पर लिखी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है देखिए निवास पता यानी आपको अपने पूरा एड्रेस फिल कर देना जहाँ के आप रहने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन सी बैंक का अकाउंट देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रैक करेंगे सारी बैंकें आ जाएंगी। यहाँ पे आपको अपनी शाखा सेलेक्ट कर लेनी है कहाँ की आपकी शाखा है, IFSC कोड यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ फिल कर देना है, सो गए वो आपको PDF फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर देखिए आवेदिका का फ़ोटो लगाना होगा वो देखिए 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आवेदिका के हस्ताक्षर लगाने होंगे वो देखिए 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आय प्रमाण पत्र का विवरण, तो देखिए यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र की डिटेल देनी होगी। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा, वो भी देखिए PDF फॉर्मेट में लगाना होगा, 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको आवेदन प्रमाण का जो क्रमांक होता है वो डाल देना है, आपको प्रमाण क्रमांक है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर जात प्रमाण पत्र देना, देखिए जो डिटेल यहाँ पर दे रहे हैं वो जात प्रमाण पत्र देना है वो आपको देखिए आवेदक का ही देना है। जात प्रमाण पत्र यहाँ पर देखिए आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है, उसका भी देखिए यहाँ पर आवेदन क्रमांक डाल देना है, आपको जात प्रमाण पत्र क्रमांक है वो फिल कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मिला है अब देखिए यहाँ पर वर पक्ष का यहाँ पर विवरण देना होगा, देखिए नाम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए वर के पिता या अभिभावक का नाम डाल देना है, यहाँ पर माता का नाम डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक जन्म प्रमाण से रिलेटेड आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, देखिए यहाँ पर आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, पैन कार्ड भी लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी लगा सकते हैं या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी लगा सकते हैं। व्यवसाय यानी लड़का काम क्या करता है वो व्यवसाय डाल देना है। अब यहाँ पर बर का फोटो यानी लड़के का फोटो यहाँ पर लगाना है, वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में आपको लगा देना है। यहाँ पर आपको लड़के का यानी बर का पूरा एड्रेस फिल कर देना है, स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, शहरी एरिया से आते हैं ग्रामीण एरिया से आते हैं जो भी आते हैं उन्हें सेलेक्ट कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है विधवा या परित्यक्त, यानी कि जो जाता है उस कंडीशन, देखिए यहाँ पर परित्यक्त दो ऑप्शंस मिलेंगे, विधवा का और दूसरा परित्यक्त का। पूछ रहा है आवेदक की जो माँ है विधवा तो नहीं है या परित्यक्त तो नहीं है, तो देखिए इनकी जो माँ है आवेदिका की वो देखिए विधवा है तो हम यहाँ पर विधवा सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके कुछ नहीं है तो देखिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, इस टर्म को एक्सेप्ट कर लेना है और डिटेल को यहाँ से आपको सबमिट कर देना है।
तो देखिए यहाँ पर आपकी डिटेल है, देखिए सक्सेसफुल हो चुकी है, यहाँ पर देखिए सक्सेस का मैसेज भी आ चुका है और जो भी डिटेल आपने फिल करी है यहाँ पर देखिए आवेदक का फोटो साइन सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका फॉर्म नंबर यानी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया गया है। अब करना क्या, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना, अगर आप कोई चीज़ अपडेट करना चाहते तो कर सकते हैं, यहाँ पर अपडेट वाली बटन है, और नहीं तो आपको यहाँ पर लिखा है प्रिंट रिसिप्ट आनी, आपको ये फॉर्म है देखिए सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है, तो आपको यहाँ पे अपनी प्रिंट स्लिप जरूर निकाल लेनी है। ये प्रिंट स्लिप निकाल के और जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे जमा किए वो सारा लगा के अब आपको करना कि आपको अपनी तहसील में जाना होगा, जो SDM ऑफिस बना है वहाँ जाके आपको ये डॉक्यूमेंट है सबमिट कर देने हैं। जैसे आपके ज़िले के अंदर जहाँ पर भी इसका आयोजन किया जाएगा वैसे ही आपको फ़ोन के द्वारा आपको या फिर आपको मैसेज के द्वारा सूचना दी जाएगी ना है, तो इस तरह से आप घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल पहली बार वीडियो वॉच करें सब्सक्राइब जरूर करें।